इस्लामी लश्कर मदीने की राह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज बदर में खियाम फरमाकर मदीने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मुश्रिक कैदी भी थे और मुश्रिकीन से हासिल किया हुआ माल गनीमत भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी निगरानी सौंपी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी सफरा के दुर्रे से बाहर निकले तो दुर्रे और नाजिया के दरमियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वहीं खुम्स यानी 5वां हिस्सा अलाहिदा करके बाकी माल गनीमत मुसलमानों पर बराबर बराबर तकसीम कर दिया। और वादी सफरा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया कि नजर बिन हारिस को कत्ल कर दिया जाए। इस शख्स ने जंग बदर में मुश्रिकीन का परचम उठा रखा था और यह कुरैश के अकाबिर मुजरिमीन में से था। इस्लाम दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में हद दर्जा बढ़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरखुन नदबिया पहुंचे तो उकबा बिन अबी मुईद के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। ये शख्स जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाया करता था उसका कुछ जिक्र पीछे गुजर चुका है। यही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नमाज की हालत में ऊँट की औझ डाली थी और इसी शख्स ने चादर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा था। और अगर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बर वक्त ना आ पड़े होते तो उसने अपनी दानिश में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंट कर मार ही डाला था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया तो कहने लगा, ए मुहम्मद, बच्चों के लिए कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग। उसके बाद हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने और कहा जाता है कि हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। जंगी नुक्ते नज़र से इन दोनों तागुतों का कत्ल किया जाना ज़रूरी था क्योंकि ये सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जदीद इस्तिलाह के रूह से जंगी मुजरिम भी थे। तहनियत के वफूद। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रौहा पहुँचे तो उन मुसलमान सरबराहों से मुलाकात हुई जो दोनों कासिदों से फतेह की बशारत सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह की मुबारकबाद पेश करने के लिए मदीने से निकल पड़े थे। जब उन्होंने मुबारकबाद पेश की तो हज़रत सलमा बिन सलामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप लोग हमें काहे की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा टकराव तो खुदा की कसम गंजे सर के बूढ़ों से हुआ था जो ऊँट जैसे थे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, भतीजे, यही लोग सरबर आवर्दगान कौम थे। उसके बाद हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ परदाज हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की हमद है कि उसने आपको कामयाबी से हमकनार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक बख्शी। बखुदा, मैं ये समझते हुए बदर से पीछे न रहा था कि आपका टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का मामला है और अगर मैं ये समझता कि दुश्मन से साबिका पड़ेगा तो मैं पीछे न रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। इसके बाद आप मदीने मुनव्वरा में इस तरह मुसफर व मंसूर दाखिल हुए कि शहर और गिर्दो पेश के सारे दुश्मनों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धाक बैठ चुकी थी। इस फतेह के असर से मदीने के बहुत से लोग हल्के बगोश इस्लाम हुए और इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी के एक दिन बाद कैदियों की आमद आमद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर तकसीम फरमा दिया और उनके साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा ये था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम खुद खजूर खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते थे। वाज़े रहे कि मदीने में खजूर बेहसियत चीज़ थी और रोटी खासी गिरा कीमत। कैदियों का खजिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप इनसे फिदिया ले लें, इस तरह जो कुछ हम ले लेंगे वो कुफार के खिलाफ हमारी कुव्वत का जरिया होगा, और ये भी तवक्को है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने खत्ताब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की है। मेरी राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को, जो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का करीबी था, मेरे हवाले करें और मैं उसकी गर्दन मार दूँ। अकील बिन अबी तालिब को अली रजी अल्लाह अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मारें, और फलां को, जो हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु का भाई है, हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मार दें, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुश्रिकीन के लिए नर्म गोशा नहीं है। और ये हज़रात मुश्रिकीन के सनादीद अय्यमा और कायदीन हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई। चुनाचे कैदियों से फिदिया लेना तय कर लिया। उसके बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं आप और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रुलाई की वजह मिली तो रोऊंगा, और अगर ना टल सकी तो आप हजरात के रोने की वजह से रोऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिदिया कबूल करने की वजह से तुम्हारे असहाब पर जो चीज़ पेश की गई है, इसी की वजह से रो रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझ पर उनका अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब पेश किया गया। अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, सूरह 8 आयत 67-68। किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि उसके पास कैदी हों यहाँ तक कि वो जमीन में अच्छी तरह खूरेजी कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह की तरफ से नविश्ता सबकत न कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है उस पर तुमको सख्त अजाब पकड़ लेता। मुझ पर उनका अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब पेश किया गया। और अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, सूरह 47 आयत 4, यानी मुश्रिकीन को जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो। चूँकि इस नविश्ते में कैदियों से फिदिया लेने की इजाज़त दी गई है, इसलिए साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को कबूल फिदिया पर अजाब नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ इताब किया गया। और इताब भी इसलिए किया गया कि उन्होंने कुफ्फार को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुजरिमीन जंग से फिदिया लेना कबूल कर लिया था जो सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जंग के ऐसे अकाबिर मुजरिमीन थे जिन्हें जदीद कानून भी मुकदमा चलाए बगैर नहीं छोड़ता, और जिनके मुतालिक मुकदमे का फैसला उमूमन सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में नमूदार होता है। बहरहाल चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुश्रिकीन से फिदिया लिया गया। फिदिये की मकदार 4,000 और 3,000 दरहम से लेकर 1,000 दरहम तक थी। अहले मक्का लिखना पढ़ना भी जानते थे जबकि अहले मदीना लिखने पढ़ने से वाकिफ न थे, इसलिए ये भी तय किया गया कि जिसके पास फिदिया ना हो वो मदीने के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं तो यही इसका फिदिया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कैदियों पर एहसान भी फरमाया और उन्हें फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया। इस फहरिस्त में मुत्तलिब बिन हंतिब, सैफी बिन अबी रिफा और अबू उज्जा जमही के नाम आते हैं। आखिर उस जिक्र को आइंदा जंग उहद में कैद और कत्ल किया गया, तफसील आगे आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अबुल आस को भी इस शर्त पर बिला फिदिया छोड़ दिया कि वो हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की राह ना रोकेंगे। इसकी वजह यह हुई कि हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु ने अबुल आस के फिदिये में कुछ माल भेजा था जिसमें एक हार भी था। यह हार दर हकीकत हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का था, और जब उन्होंने हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को अबुल आस के पास रुख्सत किया था तो यह हार उन्हें दे दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी रिक्कत तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से इजाज़त चाही कि अबुल आस को छोड़ दें। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने इसे बसरे चश्म कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की राह छोड़ देंगे। चुनाचे हज़रत अबुल आस ने उनका रास्ता छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने हिजरत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु और एक अंसारी सहाबी को भेज दिया कि तुम दोनों वतन या जज में रहना, जब ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा तुम्हारे पास से गुजरें तो साथ हो लेना। ये दोनों हजरात तशरीफ़ ले गए और हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर मदीना वापस आए। हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की हिजरत का वाक़या बड़ा तवील और अलमनाक है। कैदियों में सुहैल बिन अमर भी था जो बड़ा जुबान आवर खतीब था। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहैल बिन अमर के अगले दो दांत तोड़वा दीजिए, इसकी जबान लपेट जाया करेगी और वो किसी जगह खतीब बनकर आपके खिलाफ कभी खड़ा ना हो सकेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये गुजारिश मुस्तरद कर दी, क्योंकि ये मुसले के ज़मीन में आता है जिस पर क़यामत के रोज़ अल्लाह की तरफ से पकड़ का ख़तरा था। हज़रत साद बिन नोमान रजी अल्लाह अन्हु उम्रा करने के लिए निकले तो उन्हें अबू सुफियान ने क़ैद कर लिया। अबू सुफियान का बेटा अमर भी जंगे बदर के कैदियों में था। चुनाचे अमर को अबू सुफियान के हवाले कर दिया गया और उसने हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। क़ुरान का तबसरा। इसी गजबे के ताल्लुक से सूरह अनफाल नाजिल हुई जो दर हकीकत इस गजबे पर एक खुदाई तबसरा है। अगर ये ताबीर सही हो और ये तबसरा बादशाहों और कमांडरों वगैरह के फातिहाना तबसरों से बिल्कुल ही जुदागाना है। इस तबसरे की चंद बातें मुख्तसरन ये हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की नज़र उन कोताहियों और अखलाकी कमज़ोरियों की तरफ मबजूल कराई जो उनमें फिल जुमला बाकी रह गई थीं और जिनमें से बाज़ का सुदूर इस मौके पर हो गया था। इस तवज्जो दिहानी का मकसूद ये था कि मुसलमान अपने आप को उन कमज़ोरियों से पाक साफ करके कामिल तरीन बन जाएं। उसके बाद इस फतेह में अल्लाह ताला की जो ताईद और गैबी मदद शामिल थी उसका जिक्र फरमाया। इसका मकसूद ये था कि मुसलमान अपनी शुजात व बसालत के फरेब में ना आ जाएं, जिसके नतीजे में मिजाज और तबा पर गुरूर और तकब्बुर का तसल्लुत हो जाता है, बल्कि वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और उसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत केश रहें। फिर उन बुलंद अगराज व मकासिद का तस्किरा किया गया है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूनरेज मोर्चे में कदम रखा था, और इसी ज़मीन में उन अखलाक व औसाफ की निशानदही की गई है जो मोर्चों में फतेह का सबब बनते हैं। फिर मुशरिकीन व मुनाफिकीन को और यहूद और जंगी कैदियों को मुखातिब करके ऐसी बलीग नसीहत फरमाई गई है कि वह हक के सामने झुक जाएं और उसके पाबंद बन जाएं। उसके बाद मुसलमानों को माल गनीमत के मामले में मुखातिब करते हुए उन्हें इस मसले की तमाम बुनियादी कवायद व उसूल समझाए और बताए गए हैं। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को जंग व सुलह के जिन कवानीन की ज़रूरत थी उनकी तौज़ीह और मशरूइयत है, ताकि मुसलमानों की जंग और अहले जाहिलियत की जंग में इम्तियाज़ कायम हो जाए और अखलाक व किरदार के मैदान में मुसलमानों को बरतरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम महज एक नज़रिया नहीं है, बल्कि वो जिन उसूलों और ज़ाब्तों का दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों की अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के कवानीन की कई दफ़ात बयान की गई हैं जिनसे वाज़े होता है कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमानों और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फ़र्क है। मुतफर्रिख वाक़ियात। सन 2 हिजरी में रमज़ान का रोज़ा और सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज किया गया और ज़कात के मुख्तलिफ निसाबों की तय्यीन व तफ़सील की गई। सदक़े फ़ित्र की फ़र्ज़ियत और ज़कात के निसाब की तय्यीन से इस बोझ और मशक्क़त में बड़ी कमी आ गई, जिससे फ़ुक़रा मुहाजरीन की एक बड़ी तादाद दोचार थी, क्योंकि वो तलब रिस्क के लिए ज़मीन में दौड़ धूप के इम्कानात से महरूम थे। फिर नहायत नफीस मौका और खुशगवार इत्तेफाक ये था
कि मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में पहली ईद जो मनाई वो शव्वाल सन 2 हिजरी की ईद थी, जो जंग बदर की फतेह मुबीन के बाद पेश आई। कितनी खुशगवार थी ये ईद सईद, जिसकी सआदत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सर पर फतेह वो इज्जत का ताज रखने के बाद अता फरमाई। और कितना ईमान अफरोज था उस नमाज ईद का मंजर, जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकलकर तकबीर और तौहीद और तहमीद और तस्बीह की आवाज़ें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर अदा किया था। उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमानों के दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों और उसकी की हुई ताईद के सबब उसके रहमत और रिजवान के शौक से लबरेज और उसकी तरफ रगबत के जज्बात से मामूर थे, और इनकी पेशानियाँ उसके शुक्र और सिपास की अदायगी के लिए झुकी हुई थीं। अल्लाह ताला ने इस नेमत का जिक्र इस आयत में फरमाया है, सूरह 8 आयत 26, और याद करो जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में कमज़ोर बनाकर रखे गए थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, बस उसने तुम्हें ठिकाना मरहमत फरमाया और अपनी मदद के ज़रिए तुम्हारी ताईद की और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। बदर के बाद की जंगी सरगर्मियाँ। बदर का मौरिका मुसलमानों और मुशरिकीन का सबसे पहला मुसल्लह टकराव और फैसला कुन मौरिका था, जिसमें मुसलमानों को फतेह मुबीन हासिल हुई और सारे अरब ने इसका मुशाहिदा किया। इस मौरिके के नताइज से सबसे ज्यादा वही लोग दिल गिरफ्तार थे जिन्हें बराह रास्त यह नुकसान अजीम बर्दाश्त करना पड़ा था, यानी मुशरिकीन, या वो लोग जो मुसलमानों के गलबे और सरबुलंदी को अपने मजहबी और इक्तिसादी वजूद के लिए खतरा महसूस करते थे, यानी यहूद। चुनाचे जब से मुसलमानों ने बदर का मौरिका सर किया था, ये दोनों ग्रोह मुसलमानों के खिलाफ गम व गुस्सा और रंज व अलम से जल भुन रहे थे, जैसा कि इरशाद है 12:5:82, तुम अहले ईमान का सबसे ज़बरदस्त दुश्मन यहूद को पाओगे और मुशरिकीन को। मदीने में कुछ लोग इन दोनों गुरुहों के हमराज और दमसाज थे। उन्होंने जब देखा कि अपना विखार बरकरार रखने की अब कोई सबील बाकी नहीं रह गई है, तो बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके रुफखा का गुरुह था। ये भी मुसलमानों के खिलाफ यहूद और मुशरिकीन से कम गम व गुस्सा न रखता था। इनके अलावा एक चौथा गुरुह भी था, यानी वो बद्दू जो मदीने के गिर्द पेश बूदोबाश रखते थे। उन्हें कुफ्र इस्लाम से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन ये लुटेरे और रहजन थे और इसलिए बदर की कामयाबी से इन्हें भी खल्क व इस्तराब था। इन्हें खतरा था कि मदीने में एक ताकत पर हुकूमत कायम हो गई तो उनकी लूट खसूट का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए उनके दिलों में भी मुसलमानों के खिलाफ कीना जाग उठा और ये भी मुस्लिम दुश्मन हो गए। इस तरह मुसलमान चौमुखे खतरे में घिर गए, लेकिन मुसलमानों के सिलसिले में हर फरीक का तर्ज अमल दूसरे से मुख्तलिफ था। हर फरीक ने अपने हज़्ब हाल ऐसा तरीक़ा अपनाया था जो उसके ख्याल में उसकी गर्ज व गायत की तकमील का कफील था। चुनाचे अहले मदीना ने इस्लाम का इजहार करके दरपर्दा साजिशों, दसीसाकारियों और बाहम लड़ाने भिड़ाने की राह अपनाई। यहूद के एक ग्रोह ने खुल्लम खुल्ला रंज व अदावत और गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया। अहले मक्का ने कमर तोड़ ज़र्ब की धमकियां देनी शुरू की और बदला और इंतकाम लेने का खुला ऐलान किया। उनकी जंगी तैयारियां भी खुले आम हो रही थीं, गोया वो ज़ुबान हाल से मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे थे, एक ऐसा रोशन और ताबनाक दिन ज़रूर है जिसके बाद अरसे दराज तक नौहा करने वालियों के नौहे सुनता रहूँ। और साल भर के बाद वो अमलन एक ऐसी मोर का आराई के लिए मदीना की चहार दीवारी तक चढ़ आए, जो तारीख में गज़वे उहद के नाम से मारूफ है और जिसका मुसलमानों की शोहरत और साख पर बुरा असर पड़ा था। इन खतरात से निमटने के लिए मुसलमानों ने बड़े अहम इकदामात किए, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना अबकरियत का पता चलता है और ये वाज़ह होता है कि मदीने की क़यादत गिर्द पेश के उन खतरात के सिलसिले में किस कदर बेदार थी और उनसे निमटने के लिए कितने जामा मंसूबे रखती थी। अगले सुतूर में उसी का एक मुख्तसर सा खाका पेश किया जा रहा है। एक, ग़ज़वा बनी सुलैम बमाखाम कुद्र।
غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2-2 اونٹ آئے اور اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال سن 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سبا بن ارفتا کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا۔ 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکہ کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن بحب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والوں کی افتاد کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے پاس ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورت حال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قبیص کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کو صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह ताला ने हमें इस ऐसे तहिये से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तहिये से बेहतर है, यानी सलाम से, जो अहले जन्नत का तहिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमैर, तुम क्यों आए हो? उसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्जे में है, उसी के लिए आया हूँ। आप लोग उसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? उसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे, क्या ये हमारे कुछ काम आ सकें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच सच बताओ, क्यों आए हो? उसने कहा, बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम और सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मक्तूलीन कुएं में फेंके गए हैं उनका तस्करा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहलो अयाल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मुहम्मद को कत्ल कर देता। इस पर सफवान ने तुम्हारे कर्ज और अहलो अयाल की जिम्मेदारी ली, बशर्ते कि तुम मुझे कत्ल कर दो। लेकिन याद रखो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल है। उमैर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती थी उसे हम झुठला दिया करते थे, लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफवान के सिवा कोई मौजूद ही न था। इसलिए वल्लाह मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचाई है। बस अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हाँक कर पहुँचाया। फिर उमैर ने कलमाए हक की शहादत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुखातिब करके फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। इधर सफवान लोगों से कहता फिर रहा था कि ये खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिनों में एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो बदर के मसाइब भुलवा देगा। साथ ही वो आने जाने वालों से उमैर की बात पूछता भी रहता था। बिलाखिर उसे एक सवार ने बताया कि उमैर मुसलमान हो चुका है। ये सुनकर सफवान ने कसम खाई कि इससे कभी बात न करेगा और न कभी उसे नफा पहुंचाएगा। इधर उमैर ने इस्लाम सीखकर मक्के की राह ली और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की। उनके हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए। 3. ग़ज़वा बनु क़ैनुक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाने के बाद यहूद के साथ जो मुआहिदा फरमाया था उसकी दफ़ात पिछले सफ़ात में जिक्र की जा चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस मुआहिदे में जो कुछ तय पाया गया है वो नाफिज रहे। चुनाचे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस मुआहिदे की इबारत के किसी एक हरफ के भी खिलाफ हो। लेकिन यहूद, जिनकी तारीख उज़्र व ख़यानत और अहद शिकनी से पुर है, वो बहुत जल्द अपने कदीम मिजाज की तरफ पलट गए और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर दसीसाकारी, साजिश, लड़ाने भिड़ाने और हंगामे और इस्तराब बपा करने की कोशिशें शुरू कर दी। लगे हाथों एक मिसाल भी सुनते चलिए, यहूद की अय्यारी का एक नमूना। इब्ने इसहाक का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन कैस, जो कब्र में पांव लटकाए हुए था, बड़ा ज़बरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त अदावत और हसद रखता था, एक बार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें औस और खजरज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तगु कर रहे थे। उसे ये देखकर जाहिलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तिमाइयत ने ले ली है और इनके देरीना शकर रंजी का खातिमा हो गया है, सख्त रंज हुआ। कहने लगा, ओह, इस दयार में बनू खैला के अशराफ मुत्तहिद हो गए हैं। बखुदा इन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुजर नहीं। चुनाचे उसने एक नौजवान यहूदी को जो उसके साथ था हुक्म दिया कि इनकी मजलिस में जाए और इनके साथ बैठकर फिर जंग बुआस और उसके पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं कुछ इनमें से सुनाए। उस यहूदी ने ऐसा ही किया। इसके नतीजे में औस व खजरज में तू तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे
और एक दूसरे पर फकर जताने लगे, हत्ता के दोनों कबीले के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठकर रद्द खद शुरू कर दी। फिर एक ने अपने मद्दे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम उस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। मकसद ये था कि हम इस बाहमी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है। इस पर दोनों फरीक को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं, हर्रा में मुकाबला होगा, हथियार हथियार। और लोग हथियार ले लेकर हर्रा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खूनरेज जंग हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुहाजिरीन साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को हमराह लेकर झट उनके पास पहुँचे और फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार, और वो भी उसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है और उसके जरिए तुमसे जाहिलियत का मामला काट कर और तुम्हें कुफ्र से नजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनकर साहबा को एहसास हुआ कि इनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी। चुनाचे वो रोने लगे और औस व खजरज के लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत व शार व फरमा बरदार बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने उनके दुश्मन शाश बिन कैस की अय्यारी की आग बुझा दी थी। यह है एक नमूना उन हंगामों और इस्तेराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सपों में बपा करने की कोशिश करते रहते थे, और यह है एक मिसाल उस रोड़े की जिसे ये यहूद इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे थे। वो झूठे प्रोपोगंडे करते थे, सुबह मुसलमान होकर शाम को फिर काफिर हो जाते थे, ताकि कमजोर और सादा लूह किस्म के लोगों के दिलों में शक व शुबे के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक होता और वो मुसलमान हो जाता तो उस पर मईशत की राहें तंग कर देते। चुनाचे अगर उसके जिम्मे कुछ बकाया होता तो सुबह व शाम तकाजे करते, और अगर खुद उस मुसलमान का कुछ बकाया उन पर होता तो उसे अदा न करते बल्कि बातिल तरीके पर खा जाते। वो कहते कि तुम्हारा कर्ज तो हमारे ऊपर उस वक्त था जब तुम अपने आबाई दीन पर थे, लेकिन अब जबकि तुमने अपना दीन बदल दिया है तो अब हमारे और तुम्हारे लिए कोई राह नहीं। वाज़े रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थीं और उस मुआहदे के अलर रगम शुरू कर दी थीं जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का ये हाल था कि वो उन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में इन सारी बातों पर सब्र करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलूब था कि इस इलाके में अमन व सलामती का माहौल बरकरार रहे। बनू खैनुखा की अहद शिकनी। जब यहूद ने देखा कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों की ज़बरदस्त मदद फरमाकर उन्हें इज्जत व शौकत से सरफराज फरमाया है और उनका रोब दबदबा दूर व नज़दीक हर जगह रहने वालों के दिलों पर बैठ गया है, तो उनकी अदावत व हसद की हांडी फट पड़ी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला शर व अदावत का मुजाहरा किया और अलल एलान बगावत वो ईज़ा रसानी पर उतर आए। इनमें सबसे ज्यादा कीना तोज और सबसे बढ़कर शरीर काब बिन अशरफ था, जिसका जिक्र आगे आ रहा है। इसी तरह तीनों यहूदी कबाइल में सबसे ज्यादा बदमाश बनू कैनुखा का कबीला था। ये लोग मदीना ही के अंदर रहते थे और इनका मोहल्ला इन्हीं के नाम से मौसूम था। ये लोग पेशे के लिहाज से सुनार, लोहार और बर्तन साज थे। इन पेशों के सबब इनके हर आदमी के पास वाफिर मकदार में सामान्य जंग मौजूद था। इनके मर्दान जंगी की तादाद 700 थी और वो मदीना के सबसे बहादुर यहूदी थे। इन्होंने सबसे पहले अहद शिकनी की। तफसील ये है कि जब अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों को फतेह से हमकनार किया तो उनकी तोगयानी में शिद्दत आ गई। उन्होंने अपनी शरारतों, खबासतों और लड़ानी भिड़ानी की हरकतों में वसत इख्तियार कर ली और कलपशार मचाना शुरू कर दिया। चुनाचे जो मुसलमान उनके बाजार में जाता उससे वो मजाक व इस्तेहजा करते और उसे अजियत पहुंचाते, हत्ता के मुसलमान औरतों से भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस तरह जब सूरत हाल ज्यादा संगीन हो गई और उनकी सरकशी खासी बढ़ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जमा फरमा कर वाज़ व नसीहत की
और रुश्द व हिदायत की दावत देते हुए जुल्म बगावत के अंजाम से डराया, लेकिन इससे इनकी बदमाशी और गुरूर में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचे इमाम अबू दाऊद वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो बनू कैनुखा के बाजार में यहूद को जमा किया और फरमाया, ए जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी ही मार पड़े जैसी कुरैश पर पड़ चुकी है। उन्होंने कहा, ए मुहम्मद, तुम्हें इस बिना पर खुद परेबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मुठभेड़ कुरैश के अनाड़ी और नाआशनाए जंग लोगों से हुई और तुमने उन्हें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो गई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला ना पड़ा था। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरह 3 आयत 12 और 13। उन काफिरों से कह दो कि अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ हांके जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। जिन दो गुरोहों में टक्कर हुई उनमें तुम्हारे लिए निशानी है, एक गुरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये उनको आंखों देखने में अपनी दुगना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसकी ताईद चाहता है करता है, इसके अंदर यकीनन नजर वालों के लिए इबरत है। बहरहाल बनू कैनुखा ने जो जवाब दिया था उसका मतलब साफ साफ ऐलान जंग था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुस्सा पी लिया और सब्र किया। मुसलमानों ने भी सब्र किया और आने वाले हालात का इंतजार करने लगे। इधर इस नसीहत के बाद यहूद बनू कैनुखा की जुरत रिंदाना और बढ़ गई। चुनाचे थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने मदीना में बलवा और हंगामा बपा कर दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली और अपने ऊपर जिंदगी की राह बंद कर ली। इब्ने हिशाम ने अबू आउन से रिवायत की है कि एक अरब औरत बनू कैनुखा के बाजार में दूध लेकर आई और बेचकर किसी जरूरत के लिए एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदियों ने उसका चेहरा खुलवाना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर उस सुनार ने चुपके से उसके कपड़े का किनारा उसकी पुश्त पर गांट दिया और उसे कुछ खबर न हुई। जब वो उठी तो उसकी शर्मगाह खुल गई और यहूदियों ने कहकहा लगाया। इस पर उस औरत ने चीखो पुकार मचाई, जिसे सुनकर एक मुसलमान ने उस सुनार पर हमला किया और उसे मार डाला। जवाबन यहूदियों ने उस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। उसके बाद मकतूल मुसलमान के घर वालों ने शोर मचाया और यहूद के खिलाफ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और बनी कैनुखा के यहूदियों में बलवा हो गया। मुहासिरा, सुपुर्दगी और जिलावतनी। इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर को सौंपा और खुद हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का फरेरा देकर अल्लाह के लश्कर के हमराह बनू कैनुखा का रुख किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो गुड़ियों में खिलाबंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सख्ती से मुहासिरा कर लिया। ये जुमे का दिन था और शब्बाल सन 2 हिजरी की 15 तारीख 15 रोज तक यानी हिलाल ज़ीखात के नमूदार होने तक मुहासिरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया। उसकी सुन्नत ही ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त तो हुज़मियत से दोचार करना चाहता है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है। चुनाचे बनू कैनुखा ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानो माल आलो औलाद और औरत के बारे में जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन सब को बांध लिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना पार्ट अदा किया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इसरार व इल्हाह किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में मुआफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएं। चुनाचे उसने कहा, ऐ मुहम्मद, मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। वाज़े रहे कि बनू कैनुखा खजरज के हलीफ थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर की
इस पर उसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अपना रुख फेर लिया। लेकिन इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के गिरेबान पर अपना हाथ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गजबनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझे छोड़। लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं, बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 जिरपोश जिन्होंने मुझे सुर्ख और सियाह से बचाया था, आप उन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे। वल्लाह, मैं ज़माने की गर्दिशों का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई एक ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और उसकी खातिर उन सब की जान बख्शी कर दी। अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीने से निकल जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में न रहें। चुनाचे ये सब अजरियात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ उनकी अक्सर मौत वाक़ हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अम्बाल जब्त कर लिए, जिनमें से 3 कमानें, 2 जरहें, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए। माल गनीमत में से खुम्स भी निकाला। गनाइम जमा करने का काम मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने अंजाम दिया। 4 गज़वे सबीक। एक तरफ सफवान बिन उमैया, यहूद और मुनाफिकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ अबू सुफियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की उधेड़ बन में था जिसमें बार कम से कम पड़े लेकिन असर नुमाया हो। वो ऐसी कार्रवाई जल्द अज जल्द अंजाम देकर अपनी कौम की आबरू की हिफाजत और उनकी कुव्वत का इजहार करना चाहता था। उसने नज़र मान रखी थी कि जनाबत के सबब उसके सर को पानी ना छू सकेगा, यहाँ तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई कर ले। चुनाचे वो अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर रवाना हुआ और वादी खनात के सरे पर वाक़े नीब नामी एक पहाड़ी के दामन में खैमा जन हुआ। मदीने से उसका फासला कोई 12 मील है, लेकिन चूंकि अबू सुफियान को मदीने पर खुल्लम खुल्ला हमले की हिम्मत ना हुई, इसलिए उसने एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जिसे डाका जनी से मिलती जुलती कार्रवाई कहा जा सकता है। उसकी तफसील यह है कि वो रात की तारीकी में अतराफ मदीना के अंदर दाखिल हुआ और हुयई बिन अख्तब के पास जाकर उसका दरवाज़ा खुलवाया। हुयई ने अंजाम के खौफ से इनकार कर दिया। अबू सुफियान पलट कर बनू नज़ीर के एक दूसरे सरदार सलाम बिन मुश्किम के पास पहुंचा, जो बनू नज़ीर का खजानची भी था। अबू सुफियान ने अंदर आने की इजाज़त चाही, उसने इजाज़त भी दी और मेहमान नवाजी भी की। खुराक के अलावा शराब भी पिलाई और लोगों के पसपर्दा हालात से आगाह भी किया। और रात के पिछले पहर अबू सुफियान वहाँ से निकलकर अपने साथियों में पहुँचा और उनका एक दस्ता भेजकर मदीने के अतराफ में अरीज नामी एक मकाम पर हमला करा दिया। उस दस्ते ने वहाँ खजूर के कुछ दरख्त काटे और जलाए और एक अंसारी और उसके हलीफ को उसके खेत में पाकर कत्ल कर दिया और तेज़ी से मक्का वापस भाग निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारदात की खबर मिलते ही तेज़ रफ्तारी से अबू सुफियान और उसके साथियों का ताखुब किया, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भाग गए। चुनाचे वो लोग दस्तियाब तो ना हुए, लेकिन उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए सत्तू, तोशे और बहुत सा साजो सामान फेंक दिया था जो मुसलमानों के हाथ लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करकरतुल कदर तक ताखुब करके वापसी की राह ली। मुसलमान सत्तू वगैरह लात फांद कर वापस हुए और इस मुहिम का नाम गज़वे सबीख रख दिया। सबीख अरबी जुबान में सत्तू को कहते हैं। यह गजबा जंगे बदर के सिर्फ 2 माह बाद ज़िलहज्जा सन 2 हिजरी में पेश आया। इस गजबे के दौरान मदीने का इंतज़ाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा गया था। 5 गजबे जी अम्र। मोरकाए बदर वाहिद के दरमियानी अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे क़ियादत यह सबसे बड़ी फौजी मुहिम थी।
जो मुहर्रम सन 3 हिजरी में पेश आई। इसका सबब यह था कि मदीना के ज़राए इत्तिलाआत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्तिला फराहम की कि बनू सालबा और मुहारिब की बहुत बड़ी जमीयत मदीना पर छापा मारने के लिए इकट्ठा हो रही है। यह इत्तिला मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया और सवार और प्यादा पर मुश्तमिल 450 की नफरी लेकर रवाना हुए और हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। रास्ते में साहबा ने बनू सालबा के जब्बार नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रिफाकत में दे दिया और उसने राह शिनास की हैसियत से मुसलमानों को दुश्मन की सरजमीन तक रास्ता बताया। इधर दुश्मन को जैश मदीना की आमद की खबर हुई तो वो गिर्दो पेश की पहाड़ियों में बिखर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कदमी जारी रखी और लश्कर के हमराह उस मकाम तक तशरीफ ले गए जिसे दुश्मन ने अपनी जमीयत की फराहमी के लिए मुंतखब किया था। ये दर हकीकत एक चश्मा था जो जी अमर के नाम से मारूफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बद्दुओं पर रोब दबदबा कायम करने और उन्हें मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए सन 3 हिजरी का तकरीबन पूरा महीना गुजार दिया और इसके बाद मदीना तशरीफ लाए। 6 काब बिन अशरफ का कत्ल। यहूदियों में यह वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहले इस्लाम से नहायत सख्त अदावत और जलन थी। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। इसका ताल्लुक कबीले तई की शाख बनु निभान से था और इसकी माँ कबीले बनी नज़ीर से थी। यह बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में इसके हुस्न जमाल का शोहरा था और ये एक मारूफ शायर भी था। इसका किला मदीने के जुनूब में बनू नज़ीर की आबादी के पीछे वाक़ था। इसे जंगे बदर में मुसलमानों की फतेह और सरदाराने कुरैश के कत्ल की पहली खबर मिली तो बेसाख्ता बोल उठा, क्या वाकईतन ऐसा हुआ है? ये अरब के अशराफ और लोगों के बादशाह थे। अगर मुहम्मद ने उनको मार लिया है तो रुए ज़मीन का शिकम उसकी पुश्त से बेहतर है। और जब इसे यकीनी तौर पर इसकी खबर का इल्म हो गया तो अल्लाह का ये दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हजू और दुश्मनाने इस्लाम की मदह सराई पर उतर आया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। इससे भी उसके जज्बात आसूदा ना हुए तो सवार होकर कुरैश के पास पहुंचा और मुत्तलिब बिन अबी विदा सहमी का मेहमान हुआ। फिर मुशरिकीन की गैरत भड़काने, उनकी आतिश इंतकाम तेज करने और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आमादे जंग करने के लिए अशआर कह कह कर उन सरदारानी कुरैश का नौहा और मातम शुरू कर दिया जिन्हें मैदान बदर में कत्ल किए जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। मक्के में इसकी मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और मुशरिकीन ने इससे दरियाफ्त किया कि हमारा दीन तुम्हारे नज़दीक ज्यादा पसंदीदा है या मोहम्मद और उसके साथियों का, और दोनों में से कौन सा फरीक ज्यादा हिदायत याफ्ता है? काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, सूरा 4 आयत 151, तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। काब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी जबान दराजी और बदगुई के जरिए सख्त अजियत पहुँचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निमटे, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी है। इसके जवाब में मुहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्बाद बिन बिशर, अबू नायला जिनका नाम सलकान बिन सलामा था और जो काब के रजाई भाई थे, हारिस बिन औस और अबू अबस बिन जबर ने अपनी खिदमात पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायात का हासिल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि काब बिन अशरफ को कौन निमटेगा,
क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है। तो मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने उठकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह सकते हो। उसके बाद मुहम्मद बिन मुस्लिमा काब बिन अशरफ के पास तशरीफ़ ले गए और बोले, उस शख्स ने, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदक़ा तलब किया है और हकीकत यह है कि उसने हमें मशक्क़त में डाल रखा है। काब ने कहा, वल्लाह अभी तुम लोग और भी उकता जाओगे। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि अब जबकि हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें जब तक कि न देख लें कि उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वस्ख या दो वस्ख कल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? काब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दें जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं? उसने कहा, तो फिर अपने बेटों ही को रहन रख दो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये एक वस्त या दो वस्त के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है, अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। उसके बाद दोनों में तय हो गया कि मुहम्मद बिन मुस्लिमा हथियार लेकर उसके पास आएंगे। उधर अबू नायला ने भी इसी तरह का इकदाम किया, यानी काब बिन अशरफ के पास आए, कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई इब्ने अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, उसे जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उसे आप ज़रा सेगे राज ही में रखेंगे। काब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अबू नायला ने कहा, भाई उस शख्स, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था कि आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है, सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है, सब ने हमें एक कमान से मारा है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहलो अयाल बर्बाद हो रहे हैं, जान पर बनाई है, हम और हमारे बाल बच्चे मशक्क़तों से चूर चूर हैं। उसके बाद उन्होंने भी कुछ इसी ढंग की गुफ्तगू की जैसे मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने की थी। दौरान गुफ्तगू अबू नायला ने यह भी कहा कि मेरे कुछ रुफका हैं जिनके ख्यालात भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, मैं उन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ, आप उनके हाथ भी कुछ बेचें और उन पर एहसान करें। मुहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नायला अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हथियार और रुफका समेत इन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ चौंक नहीं सकता था। इस इब्तदाई मरहले को मुकम्मल कर लेने के बाद 14 रबीउल अव्वल सन 3 हिजरी की चांदनी रात को ये मुख्तसर सा दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकीय गरखत तक उनकी मशाइयत फरमाई, फिर फरमाया, जाओ बिस्मिल्लाह, ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पलट आए और नमाज व मुनाजात में मशगूल हो गए। इधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे अबू नायला ने कदरे जोर से आवाज दी। आवाज सुनकर वो उनके पास आने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। काब ने कहा, यह तो मेरा भाई मुहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा दूध का साथी अबू नायला है। करीम आदमी को अगर नेजे की मार की तरफ बुलाया जाए तो उस पुकार पर भी वो जाता है। उसके बाद वो बाहर गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। अबू नायला ने अपने साथियों से कह रखा था कि जब वो आ जाएगा तो मैं उसके बाल पकड़कर सूंघूंगा, जब तुम देखना कि मैंने उसका सर पकड़कर उसे काबू में कर लिया है तो उस पर पिल पड़ना और उसे मार डालना। चुनाचे जब काब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं, फिर अबू नायला ने कहा, इब्ने अशरफ, क्यों ना शियाब अजूज तक चलें, जरा आज रात बातें की जाएं। उसने कहा, तुम लोग चाहो तो चलो। इस पर सब लोग चल पड़े। असनाए राह में अबू नायला ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ये सुनकर काब का सीना फकर से तन गया, कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज्यादा खुशबू वाली औरत है। अबू नायला ने कहा, इजाज़त हो तो ज़रा आपका सर सूंघ लो। वो बोला, हाँ हाँ।
अबू नायला ने उसके सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद भी सूंघा और साथियों को भी सूंघाया। कुछ और चले तो अबू नायला ने कहा, भाई एक बार और। काब ने कहा, हाँ हाँ। अबू नायला ने फिर वही हरकत की, यहाँ तक के वो मुतमईन हो गया। उसके बाद कुछ और चले तो अबू नायला ने फिर कहा, भाई एक बार और। उसने कहा, ठीक है। अब की बार अबू नायला ने उसके सर में हाथ डालकर जरा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले, ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में उस पर कई तलवारें पड़ी लेकिन कुछ काम ना दे सकी। ये देखकर मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने झट अपनी कदाल ली और उसके पेड़ों पर लगाकर चढ़ बैठे। कदाल आर पार हो गई और अल्लाह का ये दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान उसने इतनी जबरदस्त चीख लगाई थी कि गिर्दो पेश में हलचल मच गई थी और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा था जिस पर आग रोशन ना की गई हो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हजरत हारिस बिन औस रजी अल्लाह अन्हु को बाद साथियों की तलवार की नोक लग गई थी जिससे वो जख्मी हो गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनाचे वापसी में जब ये दस्ता हुर्रे अरीस पहुंचा तो देखा कि हारिस साथ नहीं है, इसलिए सब लोग वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद हारिस भी उनके निशानात कदम देखते हुए आन पहुंचे। वहां से लोगों ने उन्हें उठा लिया और बखिये गरखत पहुंचकर इस शोर का नारा लगाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चेहरे कामयाब रहे। उन लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ ही उस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल पर अल्लाह की हमदो सना की और हारिस के जख्म पर लुआब दहन लगा दिया जिससे वो शिफायाब हो गए और आइंदा कभी तकलीफ ना हुई। इधर यहूद को जब अपने तागूत काब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो उनके हठधर्म और जिद्दी दिलों में और रोब की लहर दौड़ गई। उनकी समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमन आमान के साथ खिलवाड़ करने वालों, हंगामे और इस्तराब बपा करने वालों और अहदो पैमान का एहतराम न करने वालों पर नसीहत कारगर नहीं हो रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज न करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर चू न किया बल्कि एकदम दम सादे पड़े रहे, ईपाए अहद का मुजाहरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप तेजी के साथ अपने बिलों में जा घुसे। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना से पेश आने वाले मुतवक्के खतरात का सामना करने के लिए फारिग हो गए और मुसलमान उन बहुत से अंदरूनी मतायब के बारे गिरा से सुबुकदोश हो गए जिनका अंदेशा उन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फवक्तन वो सूंघते रहते थे। साथ गज़वे बहरान, ये एक बड़ी फौजी तलाया गर्दी थी जिसकी तादाद 300 थी। इस फौज को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल आखिर सन 3 हिजरी में बहरान नामी एक इलाके की तरफ तशरीफ ले गए थे। ये हिजाज के अंदर फराह के अतराफ में एक मादनियाती मकाम है और रबीउल आखिर और जमादियुल औला के दो महीने वहीं क़याम फरमा रहे। उसके बाद मदीना वापस तशरीफ लाए, किसी किस्म की लड़ाई से साबिका पेश ना आया। 8 सरिया जैद बिन हारिसा, जंग उहद से पहले मुसलमानों की ये आखिरी और कामयाब तरीन मुहिम थी जो जमादियुल आखिर सन 3 हिजरी में पेश आई। वाक़े की तफसील ये है कि खुरैश जंग बदर के बाद से खल्क व इस्तराब में मुब्तला तो थे ही, मगर जब गर्मी का मौसम आ गया और मुल्क शाम के तिजारती सफ़र का वक्त आन पहुँचा तो उन्हें एक और फिक्र दामनगीर हुई। इसकी वजाहत इससे होती है कि सफवान बिन उमैया ने, जिसे कुरैश की तरफ से इस साल मुल्क शाम जाने वाले तिजारती काफिले का मीरे कारवान मुंतखब किया गया था, कुरैश से कहा, मुहम्मद और उसके साथियों ने हमारी तिजारती शाहराह हमारे लिए पुरसऊबत बना दी है। समझ में नहीं आता कि हम उनके साथियों से कैसे निमटें। वो साहिल छोड़कर हटते ही नहीं और बाशिंदगाने साहिल ने उनसे मसालिहत कर ली है। आम लोग भी उन्हीं के साथ हो गए हैं
अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें, और अगर हम घरों ही में बैठ रहे हैं तो अपना असल माल भी खा जाएंगे, कुछ बाकी ना बचेगा। क्योंकि मक्के में हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इस पर है कि गर्मी में शाम और जाड़े में हफ्शा से तिजारत करें। सफवान के इस सवाल के बाद इस मौजू पर गौर खौस शुरू हो गया। आखिर अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सफवान से कहा, तुम साहिल का रास्ता छोड़कर इराक के रास्ते से सफ़र करो। वाज़े रहे कि यह रास्ता बहुत लंबा है, नजद से होकर शाम जाता है और मदीना के मशरक़ में खासे फासले से गुजरता है। कुरैश इस रास्ते से बिल्कुल नावाकिफ थे, इसलिए अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सफवान को मशवरा दिया कि वो फिरात बिन हयान को, जो कबीले बकर बिन बायल से ताल्लुक़ रखता था, रास्ता बनाने के लिए राहनुमा रख ले, वो इस सफ़र में उसकी रहनुमाई कर देगा।